व्हाट इज अप गाइस, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज के इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग हो रही है केव में, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आज मैं और मेरे दोस्त आ गए हैं डायमंड की माइनिंग करने। चलो थोड़ी बहुत माइनिंग स्टार्ट करते हैं। अरे यार भाई, माइन बनाने के बाद यहाँ पर देख लो, किस्मत है मेरी यार, इनको नहीं मिली, मुझे मिल गया यहाँ पर डायमंड्स। अभी इसको भी मिल गया भाई, किस्मत अच्छी है भाई, दोनों को मिल गया एक साथ। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, हम दोनों को कुछ डायमंड्स तो मिल ही गए हैं। और मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल थी, स्टार्टिंग में मिल गया यार। ये माइन मैंने विलेज में बना दी थी और मेरे दोस्तों ने इसमें मेरी काफ़ी हेल्प करी थी, इसलिए अब यहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ मैं। मतलब माइनिंग स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, स्पेस थोड़ा कम लग रहा, थोड़ा इंक्रीज कर दूँ क्या। ये देखो तो ऊपर भी यहाँ पर कुछ प्लेस करते हैं टॉर्च वॉर्च, स्पेस को थोड़ा इंक्रीज करते हैं और बढ़िया सी जगह बनाते हैं यहाँ पर। अबे डायमंड की पिकेक्स बना लेते हैं एक, ये बन गई डायमंड की पिकेक्स। आयरन की टूटने वाली है इसलिए मैंने सोचा डायमंड की बना लूँ एक। ये मुझे कुछ और डायमंड मिल गए, इन्हें भी कलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। कितने डायमंड्स होंगे अब, चलो इन्हें भी कलेक्ट कर लिया। थोड़ा और आगे तक चलते हैं माइन करते करते हैं। चलो तो मैं ऊपर आ गया हूँ फाइनली, नीचे माइन से सीधा ही, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्राफ्ट करने हैं, मतलब विलेजर बनाना है एक लाइब्रेरियन, जिससे मुझे फॉर्चून मिल सके। मैंने ज़्यादा डायमंड माइन नहीं किए हैं और यहाँ पर कुछ वीड वगैरह और जो क्या बोलते हैं उसे, हे बेल के ब्लॉक थे ना, वो कलेक्ट कर लिए ताकि मैं कुछ खाना बना सकूँ, ब्रेड वेड। तो चलो पहले स्टिक्स क्राफ्ट कर लेते हैं, फिर एक स्वॉर्ड बनाते हैं डायमंड की स्वॉर्ड। चलो ये रही, हाँ अभी इसे रख लेते हैं अपने पास और चलते हैं विलेजर के पास, क्योंकि मुझे एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाना है। वैसे तो मैंने एक को बना दिया है अंदर लाइब्रेरियन, और पर उससे मुझे कलेक्ट करनी होगी बुक्स। तो मैं जल्दी से आपको कुछ पेड़ कलेक्ट करके मिलता हूँ ताकि मैं फ्लैचर से ट्रेड कर सकूँ। मैंने एक फ्लैचर भी बना दिया वैसे एक विलेजर को। तो गाइस काफ़ी सारे पेड़ ढूंढने के बाद, मतलब काटने के बाद और उनसे स्टिक्स क्राफ्ट करने के बाद यहाँ पर फ्लैचर से ट्रेडिंग करने के लिए आ गया हूँ मैं। पर ये मुझे कुछ ढंग का नहीं दे रहा है, तो इसकी ब्लॉक को हटा देता हूँ और दूसरा लगाता हूँ। बेड भी लगा रखा है यार दोस्त ने, नीचे माइन में फंसा हुआ है वो। गलती से मैंने माइन का वाटर ही हटा दिया ना, उस वजह से वो नीचे फंसा है। कोई बात नहीं, वो लगा दूंगा बाद में आ जाएगा ऊपर। तो अब पहले यहाँ पर कुछ स्टिक्स क्राफ्ट कर लेते हैं ताकि मैं इसे ट्रेड कर सकूँ। हाँ मुझे एमरल्स की ज़रूरत है इसीलिए पहले मैं कलेक्ट करने आ गया इनको। अबे यार अब इसे कलेक्ट करते हैं, इसे रुकने को कह दिया, अब इससे कलेक्ट करते हैं काफ़ी सारे एमरल्स। ये यहाँ पर यार बहुत महंगा है, एक तो स्टार्टिंग में विलेजर काफ़ी महंगा होता है इसलिए ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। सारी की सारी स्टिक्स ख़त्म भी हो गई, थोड़ी और क्राफ्ट करता हूँ और थोड़ी और ट्रेडिंग करता हूँ इससे। चलो 12 एमरल्ड्स कलेक्ट हो गए, चलो 12 एमरल्ड्स मिल गए मुझे फ़िलहाल के लिए। पर इनसे मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है, और ये मैं कुछ शुगर केन भी लाया था, इन्हें भी प्लांट कर देता हूँ यहाँ पर, उग जाएंगे तो काम आ जाएंगे पेपर वगैरह बनाने के और ट्रेड करने के भी, वैसे काम आ जाते हैं, सही रहते हैं। अरे इसे हटा देता हूँ यहाँ पर, नीचे वाली साइड ही लगाता हूँ। हाँ नीचे एक ही तरफ सही रहेगा ना यार, ये क्या ग्लिच है भाई। अरे यार पानी में लग गया था शुगर केन, ये क्या ग्लिच था। अब ये बार बार ड्राउन, अबे यार क्यों मर रहा है ये। कुछ शुगर केन मुझे चाहिए अभी पेपर क्राफ्ट करने के लिए, तो उसे रख लेता हूँ कुछ अपने पास। और यहाँ पर एक लेदर भी कलेक्ट कर लेते हैं, चलो लेदर भी मिल गया। अब मुझे बुक भी क्राफ्ट करनी होगी, लेकिन पहले अंदर जाकर मैं देखता हूँ इसने जॉब ले ली है क्या, सेल कर रहा होगा ये। ओ भाई प्रोटेक्शन 4 की बुक दे रहा है यार, पर कितना अच्छा है ये। चलो ट्रेड लॉक कर दी इसकी, 18 एमरल्ड्स में प्रोटेक्शन 4 भाई, ये रेयरेस्ट विलेजर होगा ये। चलो इसे भी बता दिया, प्रोट 4 मिल गई मुझे, दोस्तों को भी बता दिया है। अब ये यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है मेरा, इस जगह पर चेस्ट है यार रखा है इसमें कुछ, अबे बेकार है यार, कुछ भी अच्छा तो है नहीं इसमें, क्या फायदा इसके होने का। चलो कोई नहीं, अब फिर से चलते हैं कुछ काम पे चलते हैं वापस, मुझे और भी एमरल्स कलेक्ट करने होंगे और एक और विलेजर को मुझे लाइब्रेरियन बनाना होगा ताकि मुझे फॉर्चून की बुक मिल सके।
कुछ फूड और कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अब ट्रेडिंग तो करनी पड़ेगी भाई उससे, विलेजर से, फ्लैचर से ट्रेड करनी पड़ेगी मुझे। क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ एक, और यहाँ पर क्राफ्ट करते हैं एक बुक। बुक से पहले बोट बना ला। हाँ सही बोला, बोट से उसे लेके चलता हूँ नीचे ही। यहाँ पर क्या ही काम, उसका नीचे लेके जाता हूँ उसे। सारे के सारे विलेजर्स को एक साथ करना होगा मुझे अब, और उन्हें ब्रीड भी करना होगा। चलो यहाँ पर बोट प्लेस कर देता हूँ। प्लेस क्यों नहीं हो रही यार ये? चलो हो गई, ग्लिच होगा शायद कोई। अब इसे हटा देते हैं और इसे बैठाते हैं बोट में। ये ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा? अच्छा ऊपर नहीं आ पा रहा है, अभी देखते हैं बाद में। अभी इसे जल्दी से लेके चलते हैं, पीछे पहुंचा दिया मैंने। अब यहाँ पर इस वाले को भी लेके चलते हैं, बोरिंग पार्ट मैंने कट कर दिए हैं सारे ही, तो इसे भी जल्दी से लेके चलते हैं। दूसरे को तो मैं ले ही आया था, उसे लाने में टाइम लगता और वो बोरिंग भी था, इसलिए मैंने वो पार्ट ही हटा दिया, काट दिया मतलब। चलो अब इन दोनों को यहाँ पर बंद करने वाला हूँ मैं, ब्रीड करने के लिए भी। ये ब्रीड करेंगे और फिर मुझे एक और विलेजर मिलेगा, जिसे मैं लाइब्रेरियन बना के उससे फॉर्चून की बुक लूँगा, क्योंकि अब तक मैंने डायमंड माइनिंग करी ही नहीं है। तो यहाँ पर प्लेस करते हैं जल्दी से, और एक और ब्लॉक लगाना पड़ेगा यार। चलो इसे लगा देते हैं, डीप स्लेटी की सफर कोटरा। चलो डीप स्लेट क्या है, वुड प्लैंक लगा दिया मैंने। यहाँ पर ट्रैप डोर लगा देते हैं। अरे ये क्या, ब्रीड कर भी लिया अभी इतनी जल्दी, इतनी सुपर फास्ट? अबे कहाँ गया ये? अबे यार वो भाग गया बच्चा। यार एक तो विलेजर के बच्चे इतने ज्यादा फास्ट क्यों भागते भाई? ये मुझे नहीं पसंद, ये इतनी जल्दी भाग गया यार, वो कहाँ गया अब? अच्छा नीचे आ गया था। इसे यहीं पर बंद कर देता हूँ जल्दी से। चलो ये तो बंद कर दिया यहीं पर। अभी इसे बाद में मुझे विलेजर भी बनाना होगा, और इस जगह को भी मुझे थोड़ा खोलना पड़े, मतलब ओपन करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटी लग रही है यार। इस बेड को हटाता हूँ, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब एक और, ये बेड हटाने से पहले मुझे हाथ में लेफ्ट हैंड में ब्लॉक ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये भागा ना अब तो दिक्कत हो जाएगी। चलो एकदम से हटाते हैं और प्लेस करते हैं ब्लॉक को। चलो बच गया, अंदर ही है। अब यहाँ पर फेंस प्लेस कर देता हूँ ऊपर। अब ये ब्लॉक हटा देते हैं, एक और फेंस है। इसका क्या करूँगा, इसे भी यहीं पे प्लेस कर दो। लेफ्ट हैंड बना लेते हैं। ये विलेजर भी बड़ा, दूसरा विलेजर लेके आ गया था मैं यहाँ पर पकड़ के, वो छुटकू विलेजर पता नहीं कहाँ भाग गया, तो उसकी जगह इसे लेके आ गया हूँ, और इसे लाइब्रेरियन बनाते हैं अब जल्दी जल्दी। मुझे इससे चाहिए क्योंकि फॉर्चून की बुक। तो चलो अब मैं आपको मिलता हूँ काफ़ी देर के बाद, क्योंकि फॉर्चून की बुक ढूंढने में लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम, और मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो। मतलब आप इस काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी इसने मुझे अभी तक फॉर्चून की बुक नहीं दी है। ओ फाइनली मिल गई यार, कम से कम 1-1.5 घंटा लगाऊंगा मैं इसके पास यार, तब जाके इसने फॉर्चून की बुक दी, और वो भी इतनी महंगी। भाई इतनी महंगी क्यों दे रहा है? इतने एमरल्स कहाँ से लाऊं मैं? कुछ वुड वगैरह भी कलेक्ट कर लिया मैंने, बहुत कुछ कर लिया, पर अब दिक्कत हो गई है। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। उतने में मैं फ्लेचर से कुछ ट्रेडिंग करके आता हूँ। वैसे मैंने उससे पहले भी ट्रेड कर रखी है, हो गई होगी इसकी ट्रेड रिफ्रेश। अच्छा वही मेरे पास है फ्लेचिंग टेबल ही मेरे पास है, ट्रेड रिफ्रेश कैसे होगी? फ्लेचिंग टेबल प्लेस तो करूँ इसे पहले, अब जाके इसकी ट्रेड रिफ्रेश होगी। कर दी क्या? हाँ चलो ट्रेड रिफ्रेश कर दी। अब इससे जल्दी से बहुत सारी स्टिक्स से ट्रेड कर लेता हूँ, और फिर मुझे प्रोडक्शन 4 की बुक लेनी होगी। पर जिस हिसाब से हालात हैं, 44 एमरल्स कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। काफ़ी सारी स्टिक्स क्राफ्ट कर ली, अब इससे मैं ट्रेड कर लेता हूँ इन्हें। बस ये एमरल्स दे दे मुझे काफ़ी सारे जल्दी से, फिर मैं डायमंड की माइनिंग करने जाऊँगा, और फिर डायमंड आर्मर भी बनाना होगा। अबे यार ये तो इससे स्टॉप हो गया। चलो कोई बात नहीं, चलते बाहर चलते हैं, और मुझे और 6 भी। अबे यार क्यों आ रहे हैं बीच में, इन्हें क्या हो गया अब?
हटो, चलो बाहर चलते हैं। और अब कुछ और भी ढूंढने पड़ेंगे मुझे, ये लेदर बूट्स, मैं सॉरी लेदर यार, आयरन बूट्स उतर गए थे मेरे। तो मिलता हूँ आपको वुड कलेक्ट करने के बाद। काफी सारी वुड कलेक्ट कर ली है मैंने, अभी इन्हें स्टिक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। विलेजर वो कर ही नहीं रहा था यार, वो क्या नाम, उसकी ट्रेड ही रिफ्रेश नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने वेट किया यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर के लिए, और काम किए काफी सारे, एरिया को क्लियर बड़ा कर दिया थोड़ा। और ये देख लो, अब देखते हैं उसकी ट्रेड रिफ्रेश हुई या नहीं। काफी टाइम लगा रहा है यार विलेजर ट्रेड रिफ्रेश करने में। चलो कोई बात नहीं, चलो फाइनली इसकी ट्रेड रिफ्रेश हो गई। अब और कुछ एमरल्स ट्रेड करते हैं इससे, 45 तो हो गया। चलो जरूरी एमरल्स तो इकट्ठा कर ही लिया मैंने, अब सारी सारी स्टिक्स ट्रेड कर देता हूँ इसे। वैसे भी मैं क्या ही करूँगा इनका। अब चलते हैं यहाँ पर नीचे और इससे लेते हैं हम फॉर्चून की बुक। ये मिल गई हमें फॉर्चून की बुक। अब अबे यार, अब मेरे पे वो तो है नहीं एनविल, उसे अलग क्राफ्ट करना पड़ेगा मुझे। अब नीचे पानी होगा यार, डाउट है मुझे मेरे दोस्तों पे, हटाना दिया हो, यहीं से चलते हैं। हाँ सही बोला, यहीं से चलता हूँ भाई, कहीं नीचे जाके मर जाऊँ ऊपर से। नीचे पानी होगा या नहीं होगा ये मुझे डाउट रहता है अपने दोस्तों पे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से नीचे पहुँच गए हैं हम, और यहाँ पर अब हमें कुछ आयरन भी कलेक्ट करना होगा, तो मुझे थोड़ा ऊपर जाना होगा। है क्या यहाँ पर कुछ रखा हुआ? डायमंड्स हैं, 19 डायमंड्स हैं, कोई नहीं इन्हें अपने पास रखते हैं, कि वापस चेस्ट में रख दूंगा बाद में। वैसे भी एनचेंटेड गोल्डन एप्पल भी मिला है इसे, यार काफ़ी कुछ मिल गया मेरे दोस्तों को। माइनशाफ्ट है क्या कहीं आगे? हाँ बोल तो रहा था वो, ये माइनशाफ्ट है आगे। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से वाटर कलेक्ट कर लेते हैं, और आगे जाकर कुछ ऑब्सीडियन लेके आता हूँ मैं पहले, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग करते टाइम मुझे पता मिला था एक, क्या बोलते हैं उसे, लावा था जहाँ पर, भूल गया मैं उसे क्या कहते होंगे। चलो यहाँ पर कुछ लावा है, यहाँ पर ऑब्सीडियन बनाते से पर पहले कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ लावा, और अब बाकी को ऑब्सीडियन बना देते हैं। चलो थोड़ा और बना देता हूँ एक ही बार में, पोर्टल के लिए भी काम आ जाएंगे, ज़्यादा पोर्टल भी बनाना है ना मुझे। तो अब मैं मिलता हूँ आपको ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि इसे कलेक्ट करने में काफ़ी। अरे यार यहाँ पर और डायमंड रख गया वो, तो कितने डायमंड मिल रहे हैं इनको, माइनिंग ही कर रहे हैं। आयरन, आयरन भी रख दिया, कुछ आयरन मैं भी लेके आया था, तो मैंने भी वो यहीं पर रख दिया था, कुछ मेरा दोस्त लेके आ गया, तो अब हमारे पास इनफ आयरन हो गया है। फॉर्चून की पिकेक्स बनाते हैं और डायमंड माइनिंग फिर से करेंगे, थोड़े बहुत और डायमंड ले आएंगे एक ही बार में, क्यों सही नहीं है। और मैंने ये तो कलेक्ट कर ही लिया है मैंने फिलहाल ऑब्सीडियन, तो चलो अब काफ़ी सारे आयरन रख लेते हैं अपने पास। 3 4, इन्हें स्मेल्ट होने में भी टाइम लगेगा, मेरे पास फूड भी खत्म हो गया, मेरा रॉटन रॉटन फ्लैश खा के ही गुजारा कर रहा हूँ यार। चलो कोई बात नहीं, ये फालतू का सामान सारा वापस रख देता हूँ मैं इसमें, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है वो सारा सामान मैं यहीं पर छोड़ जाऊँगा। ये डायमंड्स वायमंड्स तो मैं साथ ही ले जाता हूँ। इतनी पिकेक्स क्राफ्ट तो कर ली मैंने, पर इतनों की ज़रूरत नहीं थी यार। चलो कोई बात नहीं, कुछ यहाँ पर और आयरन हो रहा है इकट्ठा, कितना हो गया, 20 के आसपास हो गया, 35 के आसपास था ना, या 35 36, हाँ इतना ही था। अब यहाँ पर कुछ ब्लॉक, 3 ब्लॉक बनाने होंगे और 5 आयरन चाहिए मुझे। चलो कुछ ब्लॉक्स बना लेता हूँ, उतने को 2 ब्लॉक तो बन ही जाएंगे। चलो 2 ब्लॉक बन गए, एक और बनाना है। चलो 9 और हो गए, अब यार ये क्यों प्लेस कर दिया मैंने। चलो इसे हटाते हैं और यहाँ से और आयरन कलेक्ट करता हूँ,
स्मेल्ट होने में टाइम तो लगेगा, अब क्या ही कर सकते हैं, वेट तो करना ही पड़ता है। चलो हो गया, मेरे पास पूरे आयरन, अब मैं यहाँ से एक एनविल भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। ये ऐसे रेसिपी थी ना, ये रेसिपी एनविल की, हाँ यही है। चलो इस आयरन को वापस रख लेते हैं, और यहाँ पर जितना भी था वो सारा का सारा स्मेल्ट हो गया। ऊपर भी है क्या कुछ? चलो सारा का सारा कलेक्ट कर लिया है, इसे यहाँ पर रखूँ क्या? नहीं, क्यों रखना है? अब यहाँ पर प्लेस करते हैं एनविल, बाद में इसे ऊपर ही ले जाऊंगा मैं, पर फिलहाल अभी यहीं पर प्लेस कर देता हूँ और इसे इंचेंट कर लेते हैं। कहाँ रही हमारी फॉर्चून? ये रही फॉर्चून। चलो अब फॉर्चून तो लग गया, तो अगली वीडियो में हम करेंगे डायमंड की माइनिंग। आज की इस वाली वीडियो में इतनी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।